हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मक्का मदीना के बारे में। दोस्तों, मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा करना हर मुस्लिम व्यक्ति का सपना होता है। ये वही जगह है जहां बरसों पहले पहली बार कुरान की घोषणा की गई थी। बहुत कम बारिश होने के कारण यहां की जमीन बंजर है, इसलिए दोस्तों यहां प्राचीन काल से ही केवल व्यापार होता आ रहा है। आइए जानते हैं मक्का मदीना का इतिहास व मक्का मदीना के तथ्यों के बारे में। दोस्तों, सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है, जिसे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद मस्जिद अल हरम स्थित है। हज के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री धू अल इजा के समय पहुँचते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान और वह स्थान माना जाता है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। अगर सऊदी अरब में कोई हिंदू गलती से भी चला गया तो उसे सऊदी अरब में दफनाने तक की जगह नहीं मिलती। जहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी जो है वो रियाल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल है। जैसे हिंदुओं में चार धाम की यात्रा करने से जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमानों के दुख दर्द मिट जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले हज की यात्रा जरूर कर ले। दोस्तों, इस जगह की महत्ता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ रहे हों, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह माना जाता है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, वे मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वह जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते होंगे कि शिव जी की तीसरी आंख खुलते ही परले आ जाती है, तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके रखेगा। मतलब दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वे चांद को जमीन पर ले आएंगे, तो आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर लेकर आएगा। वैसे दोस्तों, आप अगर किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करके रखने की बात सरासर गलत है। दोस्तों, मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करना चाहें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें ये सब करने की मंजूरी नहीं देते, क्योंकि ईश्वर ने हम इंसानों को बांटा है, भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से दोस्तों, ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने भगवान शिव को कैद किया है। अब खुद ही सोचिए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शिव शंकर को भला कैसे कोई किसी चीज में कैद करके रख सकता है। दोस्तों, साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू का आना जाना मना है। इन मंदिरों में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब दोस्तों, कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिवजी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात की भी पुष्टि कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में दोस्तों, मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं
तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा को पूरी मानते हैं। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन दोस्तों ईद अल अधा यानी कि बकरी ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्बों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा को पूरा माना जाता है। अब दोस्तों कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खम्बे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि दोस्तों इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला ले लिया। दोस्तों हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वह इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, अब तो उनका बेटा होना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हो। अब दोस्तों ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले, और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वे भावनाओं में न बह जाएं। यही वजह थी कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन दोस्तों भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता है, वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए थे, इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। और दोस्तों यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर जैसे उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ हे खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वह शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी मैं सच्चे मन से खुदा की इबादत करूंगा। दोस्तों ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि जो 3 खम्बे हैं वह शैतान का प्रतीक है जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।